हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओवुलेशन से। तो ओवुलेशन होता क्या है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी कोई गर्ल बेबी पैदा होती है बेटा, जब भी किसी गर्ल बेबी का बर्थ होता है तो उसके बर्थ होते ही थाउजेंड्स ऑफ अनराइप एग्स का मतलब फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एग जो मैच्योर नहीं होते उनको बोला जाता है अनराइप एग्स बेटा। जैसे ही कोई गर्ल बेबी का बर्थ होता है तो थाउजेंड्स ऑफ अनराइप एग उसके पैदा होते ही प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर बेटा। उसको फोलिकल्स या अनराइप एग्स बोलते हैं हम लोग, और अनमैच्योर एग्स है वो एग मैच्योर नहीं है बेटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही गर्ल प्यूबर्टी की एज ऑब्टेन कर लेगी, प्यूबर्टी क्या है, कैसी एज है जहां पर वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है और उसके अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जो उसके अंदर सेक्सुअल चेंजेस लाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार है बेटा। उसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकती है बेटा, राइट। ठीक है, तो प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जिसके बाद रिप्रोडक्शन पॉसिबल होती है। तो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी गर्ल क्या होती है, सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है और जो एग था उसकी जो पहले से प्रेजेंट था वो हर मंथ में बेटा ऑलमोस्ट एक एग रिलीज करती है हर मंथ। ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ ओवरी बेटा, दोनों में से किसी भी एक ओवरी में से, फ्रॉम एनी ऑफ द ओवरी, मतलब दोनों ओवरी में से नहीं करेगा, हमें पता दो ओवरीज प्रेजेंट थी गर्ल के अंदर बेटा, लेकिन किसी भी एक ओवरी में से हर मंथ एक एग रिलीज होता है। और वो एग कैसा होता है, वो अनराइप नहीं है, वो एग कैसा है, मैच्योर है बेटा, एग राइप एग है। और वो एग ऐसा है जो फर्टिलाइज हो सकता है, पहले वाला एग तो अनराइप एग था, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होती थी इसके अंदर बेटा। ठीक है, अब ये जो एग है वो कैसा है, मैच्योर एग है जहां पर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है जिसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसके अंदर फीमेल्स के अंदर हर मंथ में एक एग रिलीज होता है बेटा, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ द ओवरी, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। समझ आया बेटा ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर फीमेल्स के अंदर हर मंथ में एक एग रिलीज होता है बेटा। ठीक है, और फ्रॉम एनी ऑफ द ओवरी दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। लिखवा लिया था कल, लिख लिया था बेटा कल। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, समझना आज का ये जो है मेनली समझने वाला जा रहा है, लिखने वाला लिख लेंगे बाद में लिख लेंगे, पहले समझते हैं थोड़ा सा इसको क्या होता है बेटा। दो केसेस बनते हैं, पहला केस तो बनता है कि जो एग जो है उसको स्पर्म मिल जाएगा, एग को स्पर्म मिल जाएगा। ठीक है, स्पर्म मिलेगा कब, जब फीमेल वजाइना के अंदर बेटा पेनिस को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उसकी हेल्प से स्पर्म जो है सीमेन होता है ना, सीमेन के अंदर स्पर्म होता है बेटा। ठीक है, पेनिस की हेल्प से उस स्पर्म को इंट्रोड्यूस करा दिया फीमेल बॉडी के अंदर, एग उसकी फीमेल बॉडी में पहले से ही था प्रेजेंट बेटा, जो उसने रिलीज किया था ओवरी ने बेटा। अगर जब एग रिलीज किया है फीमेल ओवरी ने बेटा, उसी टाइम मतलब कुछ लाइफ होती है, एक या दो दिन होती है जो की लाइफ होती है बेटा, उन्हें उन डेज के अंदर बेटा अगर ये एग रिलीज हो जाए, उन दिनों में अगर स्पर्म मीट कर जाए उसके साथ तब तो फर्टिलाइज हो जाएगा एग, अदरवाइज क्या होता है ये एग क्या कर जाता है बेटा, डाई कर जाएगा, मर जाएगा और ये बाहर आ जाएगा बॉडी से, फीमेल बॉडी से। ठीक है, क्या हुआ बेटा इसको समझते हैं आप एक बारी, लिखते हैं और थोड़ा सा साथ साथ लिखो बच्चे। ओवुलेशन आपको समझ आया, अब हम लोग सीखेंगे बेटा ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। ये भी लिखवा दिया था क्या हमने, फर्टिलाइजेशन में बता देता हूं मैं, इसमें क्या होगा, द स्पर्म्स मेड इन द टेस्टिस ऑफ द मैन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना ऑफ द वुमेन, द स्पर्म मेड इन द टेस्टिस ऑफ द मैन आर इंट्रोड्यूस्ड into the vagina of the woman through the penis, ठीक है, during the mating। मैंने आपको पहले भी बताया था जब sexual intercourse होता है male और female का, उस time पर male जो penis होता है बेटा वो introduce कराता है sperms को female vagina के अंदर, और वहां पर उस time पर millions of sperm जो है रिलीज होते हैं वजाइना के अंदर एक बारी में बेटा। ठीक
ठीक है लिख लो, इन दिस वे बिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वेजाइना एट वन टाइम। मैंने कल भी आपको वीडियो भी दिखाई थी कल एक, और उसके अंदर भी आपको देखा था कि कितने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है, कितने 300 मिलियन बताए थे ना शायद, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है एक बारी में रिलीज होते हैं बेटा, ठीक है, इनटू द वेजाइना। ये जो स्पर्म होते हैं बेटा हाईली एक्टिव होते हैं और मोबाइल होते हैं, मोबाइल का मतलब मूविंग, ठीक है, मूव करने वाले स्पर्म जो है मूव करते रहते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। दीज स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल, ठीक है, दीज स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल, दीज स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल। द स्पर्म्स मूव अप, ऊपर जाएंगे बेटा थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के ऊपर जाएंगे बेटा और इनटू द यूटेरस एंड देन इट पासिस थ्रू द ओविडक्ट। मैंने आपको उस दिन भी पाठ में बताया था बेटा, अगर याद हो कल ही बताया था शायद, पहले स्पर्म कहां एंटर किया फीमेल के अंदर, कहां पे एंटर करता है सबसे पहले, वजाइना से, वजाइना के बाद एक नैरो ओपनिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूटेरस, और यूटेरस के बाद बेटा ओविडक्ट में जाके स्पर्म चला जाएगा, ठीक है, ओविडक्ट में एंड पासिस टू द ओविडक्ट। समझ आ गया बेटा यहां तक? अब दोनों में से कोई भी एक ओविडक्ट बेटा क्या कंटेन करता है, एग कंटेन करता है, जो किसने रिलीज किया होता है, ओवरी ने रिलीज किया होता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। वन ऑफ द ओविडक्ट, लिख लो बेटा नेक्स्ट लाइन में, वन ऑफ द ओविडक्ट contains an egg released by the ovary during the ovulation, ठीक है बेटा, one of the oviduct contains the egg released by the ovary during the ovulation। अब ये मैंने आपको बताया था बेटा कि egg की एक life होती है, egg जो है मेरे ख्याल से शायद 24 hours ही life होती है egg की शायद, एक बार देख लेता हूँ मैं, एक बार मेरी बात, एग जो है वो सिर्फ कितने देर तक के लिए रहेगा, 4 से लेकर 12 घंटे तक जिंदा रहेगा, लाइफ है इसकी, उसके बाद एग डाई कर जाता है बेटा, एग मर जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर किसी को फर्टिलाइजेशन करानी है तो अगर जब तक वो एग प्रेजेंट है तब वो स्पर्म उसको मिल गया तब तो वो एग फर्टिलाइज होगा, अदरवाइज वो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, समझ गए इस बात को। तो मतलब जो एक मिसकंसेप्ट होता है बच्चों के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में, वो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगी जब स्पर्म इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा फीमेल बॉडी में, ऐसा नहीं होने वाला बेटा। स्पर्म इंट्रोड्यूस करा दिया वो बेसिक कंसेप्ट है, वो तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उस ड्यूरेशन में एग प्रेजेंट था फीमेल बॉडी में तब तो वो फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली, समझ आ गई बात, ठीक है। और एग की लाइफ कितनी है, 4 से 12 घंटे होती है, जबकि स्पर्म की लाइफ जो है 3 से 5 दिन होती है, ठीक है, 5 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है लगभग। और मतलब मान लो आपने किसी, मान लो आपने आज स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराया किसी फीमेल बॉडी में, ठीक है, तो अभी स्पर्म जिंदा है बेटा उसके अंदर, बॉडी के अंदर, और मान लो कल फीमेल बॉडी में एग रिलीज हो गया, तब उसकी क्या होगी, फ्यूजन होगी वहां पर बेटा, तब वो केसेस हैं बेटा कि वहां पर क्या हो जाएगा, एग क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, बिकॉज एग तो फीमेल, तो फीमेल के अंदर स्पर्म प्रेजेंट था बेटा वो, लेकिन एग नहीं था, एग अगले दिन रिलीज हो गया तो फर्टिलाइजेशन होगी बेटा, ठीक है बेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि एग कैसे फर्टिलाइज होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन होना किस किस का बेटा, किस किस का, स्पर्म और एग का बेटा, और उसको क्या बोलते हैं, जो बनता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइज एग। तो एग फीमेल एग प्लस में स्पर्म मिलके क्या बनाता है बेटा, फर्टिलाइज एग, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, जायगोट बोलते हैं, इसी को हम लोग जायगोट बोलते हैं, राइट। और एक बात और याद रखना बेटा, स्पर्म जो है कोशिश सारे करते हैं बेटा, ये एग है बेटा मान लो, काफी सारे स्पर्म जो है इसके ऊपर फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जो है बेटा वो एग को फर्टिलाइज कर पाएगा, बाकी जैसे ही वो एग फर्टिलाइज कर देगा ऐसी मेम्ब्रेन बन जाएगी, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो औरों को आगे फ्यूजन नहीं करने देगी बेटा, समझ गए, उसके बाद फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ एक ही क्या करती है, फ्यूजन करती है बेटा, राइट। अभी ट्विंस वाला केस भी हम लोग स्टडी करेंगे आगे जब ये पूरा हो जाएगा टॉपिक बेटा, ठीक है। तो हमें एक पता लग गया कि पहला स्टेप हमने सीखा ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, हर मंथ फीमेल्स के अंदर
ओवरी जो है, एक ओवरी बेटा एक एग रिलीज करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। और सेकेंड हमने सीखा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमने सीखा सबसे पहले स्पर्म इंट्रोड्यूस कराया जाता है फीमेल बॉडी में, सर्विक्स से होता है, यूटेरस के होता हुआ ओविडक्ट में जाता है। अगर ओविडक्ट में एग प्रेजेंट होता है तब वो एग स्पर्म से फ्यूज कर जाता है और उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, जायगोट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक लाइन लिखेंगे बेटा, ओनली नेक्स्ट लाइन में, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग इन द ओविडक्ट टू फॉर्म जायगोट, टू फॉर्म जायगोट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहां होती है बेटा ह्यूमंस के अंदर, कहां पर होती है, आंसर इज ओविडक्ट के अंदर होती है, ओवरी के अंदर नहीं होती, ओविडक्ट के अंदर होती है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है, उसके अंदर ओवरी के अंदर होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर ओवरी के अंदर हुई थी, जबकि एनिमल्स जो ह्यूमंस के अंदर मेनली हम बात करें तो हम लोग कहां होती है, ओविडक्ट के अंदर फ्यूजन होती है। राइट, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, आगे लिखो, सेल्स ऑफ जायगोट डिवाइड्स रैपिडली, जो अब ओविडक्ट के अंदर बेटा जायगोट के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे, जायगोट जो है बेटा डिवाइड करेगा रैपिडली, लिखो जायगोट डिवाइड्स रैपिडली एज इट मूव्स डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट, and forms a hollow ball of hundreds of cells. ठीक है बेटा, मतलब क्या है, जायगोट जो है वो जल्दी से डिवाइड करेगा, एक सेकंड बेटा, जायगोट डिवाइड्स रैपिडली in the oviduct and forms hollow ball of hundreds of cells. मतलब एक तरह का काफी सारे cells बन जाएंगे ना, काफी सारे cells बन गई, काफी सारे hollow ball बन गई, cells का group बन गया, mass of the cells बेटा। इसको क्या बोलते हैं, embryo बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, embryo बोलते हैं। मतलब zygote जो है किसमें convert हो गया, oviduct के अंदर ही embryo में convert हो गया, उसकी सेल डिवीजन होती है जायगोट की, लगातार उसकी सेल डिवाइड करते हैं बेटा और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो जो है ना ओविडक्ट से धीरे धीरे कहां पे आएगा बेटा, कहां पे प्लेस हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं बेटा, रफली डायग्राम बनाना चाह रहा हूं मैं। सिर्फ समझने की कोशिश करता बेटा, इसका कोई मीनिंग नहीं है वैसे डायग्राम का, सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर ओवरी थी, ओवरी से एग रिलीज हो गया, ओविडक्ट के अंदर आ गया, यहाँ ओविडक्ट के अंदर, ओविडक्ट में क्या होता है, एम्ब्रियो बन गया, ये एम्ब्रियो ना धीरे धीरे आगे आता जाता है बेटा ऐसे, और कहाँ पर सिंक कर जाएगा बेटा, फिर यूटेरस के अंदर आगे सिंक कर जाएगा बेटा, समझ गया ना बेटा, ये एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे ओविडक्ट से कहाँ आएगा, कहां पर आएगा बेटा, यूटेरस के अंदर बेटा, एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे कहां पर आएगा बेटा, यूटेरस के अंदर प्लेस कर जाएगा। इस प्रोसेस को एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू द थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस की थिक और सॉफ्ट लाइनिंग के अंदर जब वो आ जाता है बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं।
ठीक है, तो आप लिखो एक लाइन, लिखो बेटा फिर सुन जाता हूँ आप इसे। दिस एम्ब्रियो सिंक्स इंटू द, दिस एम्ब्रियो सिंक्स इंटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस, सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा हेडिंग डाल के इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन बेटा क्या होता है? द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो, द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस, इन द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या मतलब है इस बात का? हम शुरू से एक बार समझते हैं बेटा कि क्या कुछ हुआ अभी तक। सबसे पहला ओवुलेशन, ओवुलेशन में मैंने बताया कि फीमेल्स के अंदर एक ओवरी एक एग रिलीज करती है हर मंथ, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। सेकंड स्टेप किया फर्टिलाइजेशन, इसमें मैंने बताया कि मेल स्पर्म एंटर कराएंगे पेनिस के हेल्प से, सर्विक्स से होता हुआ, यूटेरस से होता हुआ, ओविडक्ट में जाके फ्यूज कर जाता है बेटा किससे, वन ऑफ द एग प्रेस, वन ऑफ द ओविडक्ट के अंदर जो एग प्रेजेंट होता है उससे बेटा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब एग प्लस स्पर्म मिल गए और क्या बना दिया बेटा उसने, फर्टिलाइज्ड एग बना दिया। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि जब वो फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब वो फर्टिलाइज हो गया तब क्या हो रहा है बेटा। हमने मान लिया कि वो फर्टिलाइज हो गया बेटा, तो फर्टिलाइज एग को हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। अब क्या होगा, जायगोट के सेल्स डिवाइड करेंगे और बोल, होलो बोल ऑफ मास बना देंगे, सेल्स के एक होलो बोल बना देंगे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो बोलते हैं। आप ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं कर सकते तो इतना बोल देना कि जायगोट के सेल्स डिवाइड करेंगे एंड क्रिएट अ मास ऑफ द सेल्स, मास मतलब ग्रुप ऑफ द सेल्स बना देगा और उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे बेटा। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स से एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे सिंक करेगा, धीरे धीरे किसमें जाएगा बेटा, एम्बेड, एम्बेडिंग हो जाएगी एम्ब्रियो भी किसमें बेटा, यूटेरस के अंदर। तो यूटेरस के अंदर ये एम्ब्रियो प्लेस हो जाएगा धीरे धीरे ओविडक्ट से बेटा, ये एम्ब्रियो किसमें आ जाएगा बेटा, थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर थिक लाइनिंग और सॉफ्ट लाइनिंग मिल जाती है जिसको ना एम्ब्रियो की नरिशमेंट करेगी आगे जो बेटा। ठीक है, अगर ये थिक सॉफ्ट लाइनिंग नहीं होती तो एम्ब्रियो टूट जाता बेटा, ये सॉफ्ट और थिक लाइनिंग में आ जाता है यूटेरस के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन टू द थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस, दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, शायद समझ आ गई होगी। फर्टिलाइजेशन कहां पर हुई, ओविडक्ट के अंदर हुई बेटा। एम्ब्रियो कहां बना, ओविडक्ट के अंदर ही बन गया। उसकी प्लेसमेंट उसके बाद कहां हुई बेटा, आगे कहां प्लेस हुआ वो, यूटेरस के अंदर। और लगभग आपको मैं एक नॉलेज की एक बात बताता हूँ, लगभग 5 से लेकर 12 दिन लगते हैं बेटा इस प्रोसेस को होने में। जब कंसेप्शन का मतलब जब फर्टिलाइज एग हो गया बेटा, जब एग फर्टिलाइज होता है तो उससे लगभग 10 से 12 दिन लगते हैं बेटा, 5 से 12 दिन लगते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होने में बेटा। ठीक है, उसके बाद यूटेरस के अंदर आ जाएगा वो आपका एग, फर्टिलाइज एग जो है, मतलब जो बेबी बिल्कुल स्मॉल बेबी बोलते हैं। स्मॉल बेबी तो क्या बोलेंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब एक सेल्स है बस सिंपल से। ठीक है, जो अभी शायद विजिबल भी नहीं होंगे बेटा, अल्ट्रा साउंड होएगा बेटा लगभग उसके अंदर, आप देखोगे इसका भी मास 1 ग्राम भी नहीं होगा बेटा अभी तक। ठीक है, इतना 1 mm का भी नहीं है, 1 mm कितना छोटा होता है देखो, इतना सा है ऐसा, इतना साइज है इसका, ये अभी अल्ट्रा सा बेबी है बेटा। मतलब आप सोच लीजिए कि जब अल्ट्रासाउंड होता है ना, फर्स्ट मंथ अल्ट्रासाउंड होता है तो उसके अंदर भी बेबी इतना सा होता है बेटा, कभी भी है इसी का मामला। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही धीरे धीरे इसके पार्ट्स बनते जाएंगे आगे और ग्रो होता जाएगा बच्चे,
समझ लो क्या इसका बात? नहीं बेटा, एम्ब्रियो के कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होते अभी, वो तो सेल्स हैं बस सिंपल। अब धीरे धीरे आगे ग्रोथ होगी बेटा उसकी, जब 3 months हो जाते हैं ना ऑलमोस्ट, तब उसके काफी पार्ट्स आ जाते हैं बेटा, उसके हेड बन जाता है तो, ठीक है। तो अभी इम्प्लांटेशन समझ आ गया बेटा। आगे देखो क्या है बेटा, आगे हेडिंग डालना प्लेसेंटा, प्लेसेंटा PLACENTA, इसी के अंदर ही आएगा ये डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्या रोल है बेटा? प्लेसेंटा के लिए मैं आपको बताता हूँ कि शायद आपने 3 Idiots मूवी सबने देखी है बेटा ना, एक सेकंड रुको, चलो मूवी का सीन नहीं देखा, देखो क्या एक बेबी है मान लो, ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे बेटा, ये बेबी मान लो हुई, तो इसकी यहां से बेटा एक कोड होती है बेटा, जो उसको मदर से अटैच करती है बेटा। बेबी है, एक कोड होती है बेटा जो उसको मदर से अटैच करके रखती है बेटा, ठीक है। इस कोड को बोलते हैं अम्बिलिकल कोड बोलते हैं बेटा, अम्बिलिकल कोड। ये कोड ही है बेटा जो मदर से जो भी फूड है वो बेबी में जाता है, मदर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑक्सीजन होती है वो भी बेबी तक पहुंचती है, और जो बेबी का जो वेस्ट होता है वो मदर के अंदर चला जाता है बेटा। तो ये कोड ही है जो सारा रोल प्ले कर रही है बेटा, समझो इस बात को, ठीक है। मतलब मदर को बेबी से जोड़ के कौन रख रही है बेटा, वो अम्बिलिकल कोड होती है बेटा, एक पाइप है एक तरह का जो उसको जोड़ के रखती है बेटा मदर को बेबी से बेटा। ये डेवलप होती है बाद में बेटा, ठीक है। तो लिखो आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन, आफ्टर इम्प्लांटेशन अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू, अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन यूटेरस वॉल एंड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और किसके बीच में बेटा, जो मदर की जो यूटेरस की जो वॉल है। म्यूट योरसेल्फ सानिया, मैं ये बता रहा था मदर की जो यूटेरस है, मान लो ये मदर की यूटेरस है और इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, इसके बीच में पहली बात है डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप होता है बेटा, मदर की वॉल और जो एम्ब्रियो के बीच में डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक तरह का टिश्यू है, डिस्क लाइक टिश्यू है जो डेवलप करता है यूटेरस वॉल, मदर की जो यूटेरस वॉल होती है और एम्ब्रियो के बीच में, फिटस के बीच में, इस टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द टिश्यू, डिस्क लाइक टिश्यू विच ग्रोज बिटवीन द यूटेरस वॉल एंड द एम्ब्रियो, ठीक है। आगे लिखो बेटा, द फिटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा, द फिटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा इन द मदर्स बॉडी थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये मान लो ये मदर्स की यूटेरस है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, यहां पर एक बेटा टिश्यू डेवलप हो गया मान लो, ये इधर ऐसे डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप हो गया मान लो बेटा, ये क्या है प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा और जो एम्ब्रियो है ये किससे कनेक्ट होंगे आपस में बेटा, ये किससे कनेक्ट होंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड से। पहली बात तो एक डिस्क लाइक टिश्यू जो है बेटा वो डेवलप होता है किसके बीच में बेटा, डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप होता है इसके बीच में, मदर की जो यूटेरस की जो वॉल है उसके बीच में और फिटस के बीच में बेटा, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा और जो एम्ब्रियो है या फिटस है वो आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड बेटा। समझ आ गए दोनों वर्ड्स, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। काफी मूवीज 3 Idiots में दिखाया गया बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड को बेटा, अगर ध्यान से देखेंगे तो। जब वो बेबी पैदा होता है ना लास्ट में बेटा, तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड लगी होती है साथ में बेटा, ठीक है। बाद में उसको रिमूव किया, कोई भी बेबी पैदा होता है तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड साथ में होती है बेटा उसके लगे हुए, निकालते हैं जब वो, तो बाद में डॉक्टर उसको कट कर देता है बेटा, अलग कर देता है, ठीक है। और ठीक है, तो क्या पहली बात तो दो, मदर की जो यूटेरस की जो वॉल है और जो बेबी है जो फिटस है या एम्ब्रियो है उसके बीच में डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा और जो फिटस है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, UMBILICAL, अम्बिलिकल कॉर्ड।
ठीक है बेटा। आगे लिखेंगे बेटा, प्लेसेंटा का रोल क्या है बेटा? प्लेसेंटा का रोल लिखेंगे, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग फिटस। मतलब आगे क्या हुआ, एम्ब्रियो बन गया था बेटा। देखो सबसे पहले क्या था, एग था, एक स्पर्म था, इन्होंने मिलके क्या बनाया, जायगोट। जायगोट डेवलप हो गया, क्या बना, एम्ब्रियो। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो के बीच में, एम्ब्रियो और मदर की जो यूटेरस की जो वॉल थी उसके बीच में प्लेसेंटा ग्रो हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड बन गई। अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद अब ग्रोथ डेवलपमेंट हुई एम्ब्रियो की बेटा, और ये किसमें कनेक्ट हो गया, फिटस बन गया बेटा। ठीक है, फिटस, फिटस का मतलब अनबोर्न बेबी, जो वो भी बेबी पैदा नहीं हुआ उसके, लेकिन पार्ट्स आ गए हैं छोटे छोटे बेटा। ठीक है, इसके पार्ट्स आ गए हैं, हैंड्स भी हैं, सिलेक्स भी हैं, छोटे छोटे पार्ट्स इसके डेवलप हो गए हैं बेटा। ठीक है, फिटस बन गया है। अब जो भी रिक्वायरमेंट्स है फिटस की बेटा, वो कहां से आएगी बेटा, प्लेसेंटा से ही पूरी होगी थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड बेटा। ठीक है, तो लिखो, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग फिटस, ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपिंग फिटस कंप्लीटेड फ्रॉम द मदर्स बॉडी थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है बेटा, आप सोचोगे नहीं, एक बार ये प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स का है वो पेपर में। अब लिखने के लिए मटेरियल नहीं होता बच्चे के पास बेटा, तो जो जो लाइंस हैं कम से कम सारी याद रखनी है बेटा, कुछ भी आपने छोड़ना नहीं है बेटा। पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन प्लेसेंटा, तो आपने बताना है प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक टिश्यू, ठीक है, विच ग्रोज बिटवीन मदर्स यूटेरस वॉल एंड द एम्ब्रियो। अगला आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ द दिस टिश्यू। आंसर क्या आएगा, डिस्क लाइक शेप होती है बेटा। ये एक नंबर का ये था, एक नंबर की डेफिनेशन ये कही हो गया। अब उसके बाद था अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, उसी के अंदर ही था बेटा। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, एक ऐसी कॉर्ड है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो जॉइंट करती है फिटस को किससे, प्लेसेंटा से, मदर्स प्लेसेंटा से, राइट। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का रोल क्या है, जितना भी जो डेवलपमेंट होनी है फिटस की बेटा, जो भी ठीक है, भेज दे बेटा, विकसित भेज दे, जो भी डेवलपमेंट होती है, होनी है बेटा किसकी, फिटस की जो डेवलपमेंट होनी है वो सारी कौन, कहां से कंप्लीट होगी, प्लेसेंटा के थ्रू ही कंप्लीट होगी। फंक्शनिंग लिखेंगे बेटा, पहला लिख लिया, पहला तो ये लिख लो, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग फिटस कंप्लीटेड फ्रॉम द All the requirements of the developing embryo, a developing fetus is completed from the placenta. Second लिखेंगे बेटा, exchange of the nutrients, जो nutrients का जो exchange होता है बेटा, because baby को nutrients भी चाहिए ना, oxygen। एक point आप बना लेंगे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज जो होता है वो भी इसकी हेल्प से होता है, दूसरा बनाएंगे ऑक्सीजन का बेटा, और तीसरा बनाएंगे वेस्ट प्रोडक्ट का बेटा, वो किसकी हेल्प से होता है, प्लेसेंटा की हेल्प से होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बेटा, उसके बाद एक टर्म लिखेंगे गेस्टेशन पीरियड, वो क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड बेटा, गेस्टेशन पीरियड वो टाइम है जब से फर्टिलाइजेशन हुई है और जब तक उस बेबी का बर्थ नहीं हो जाता बेटा, फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ ऑफ द बेबी तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। लिखो, द टाइम पीरियड from the fertilization, the time period
फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी, अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन. कितना होता है बेटा ये? 9 months का होता है और इसको 38 weeks होता है ऑलमोस्ट बेटा. 38 weeks 9 months. अब ये जरूरी नहीं है 9th month का मतलब 9 months ही हो जाएंगे पूरे, क्या आपता 8th month में भी हो जाए और क्या आपता 9 months कुछ डेज भी ऊपर हो जाते हैं बेटा. ठीक है, तो क्या बोला मैंने, द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी, फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता उस टाइम पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. कितना होता है? 9 months और 38 weeks. ठीक है, बर्थ होता कब है बेबी का, आप देखो बेटा एक टर्म लिखेंगे. चलो लिखो एक पहले, बर्थ बिगिंस व्हेन द, नेक्स्ट लाइन लिखना बेटा, बर्थ बिगिंस व्हेन द स्ट्रॉन्ग मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द यूटेरस, बर्थ बिगिंस व्हेन द स्ट्रॉन्ग मसल्स ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. जो यूटेरस की जो वॉल्स हैं बेटा, जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा. ठीक है, रिदमिकली, आर एच, रिदमिकली, आर एच वाई टी एच एम, रिदम, आई सी ए डबल एल वाई, मतलब बार बारी से. ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन होती है जो मसल्स की यूटेरस के अंदर बेटा, उससे क्या होता है वो बेबी को पुश करता है बाहर की तरफ बेटा. ठीक है, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटेरस मसल्स, लिखो द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटेरस मसल्स पुशिज द बेबी आउट ऑफ द मदर्स बॉडी, pushes the baby out of the mother's body through the vagina, through the vagina. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट्यूरिशन, P-A-R-T-U-R-I-T-I-O-N, पार्ट्यूरिशन, पार्ट्यूरिशन. मतलब क्या बेटा, समझते हैं एक बारी हम लोग, सबसे पहले एग था, एग के अंदर जब स्पर्म मिला तो फर्टिलाइज्ड एग बना जिसको बोलते हैं जायगोट. ठीक है, जायगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो किसके अंदर आ गया? यूटेरस के अंदर आ गया बेटा. वहां पर प्लेसेंटा की हेल्प से उसकी ग्रोथ हुई बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से, और वो एम्ब्रियो जो है फीटस में कन्वर्ट हो गया. फीटस ग्रो करता है. ठीक है, और इम्प्लांटेशन समझ आ गया था ना यहाँ तक. उसके बाद क्या हुआ? फीटस हुआ. फीटस के बाद अब क्या होगा बेटा? जब गेस्टेशन पीरियड चलेगा पूरा कंप्लीट होने तक, कितना होता है? 9 months का होता है बेटा. ठीक है, और यूटेरस की जो मसल होती है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और बार बार ही कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पुश करती है बेबी को. कॉन्ट्रैक्ट होती है जब वो मसल, तो बेबी को बाहर की तरफ पुश करती है बेटा, और पुश करती है तो क्या होगा बेटा, वो बेबी जो सर्विक्स है ना वो थोड़ी ओपन होती जाती है बेटा. नैरो थी ना पहले, वो धीरे धीरे जब पुश करेगा बेबी उस चीज को, तो वो मसल जो पुश होने की वजह से वो जो सर्विक्स थी वो ओपन होती जाएगी थोड़ी सी बेटा, और ओपन हो जाएगी और उसका जो हेड वाला रीजन है जो बेबी का, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा. और जैसे ही वो बाहर की तरफ थोड़ा सा भी आ जाता है तो जो डॉक्टर होती है मेनली, वो क्या करती है, उसको हेड से पकड़ती है बेबी को, बाहर खींच लेती है वहां से. ठीक है, मतलब फीमेल वजाइना के अंदर जो डॉक्टर होती है अपने हाथ से बेटा
उसको क्या करेगी, सर्विक्स के अंदर हाथ से बेटा खींच लेगी उसको, उस जो हेड होगा वो रीजन बाहर आ जाएगा बेटा उससे, और अम्बिलिकल कोर्ड अलग कर देते हैं और बेबी जो है सेपरेट हो जाता है मदर से, राइट। तो कुल मिला के हमने जो इसके अंदर टर्म्स सीखी ना, एक बार वो टर्म्स आपको सारी पता होनी चाहिए, कौन कौन सी सीखी। पहली टर्म सीखी थी ओवुलेशन, सबको पता है वही बेटा, उनको अभी बता देना बेटा ओवुलेशन। सेकेंड हमने सीखी बेटा इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन सॉरी, फिर हमने सीखा बेटा इम्प्लांटेशन, राइट, गेस्टेशन पीरियड, प्लेसेंटा और पार्टीशन। पार्टीशन, पार्टीशन क्या होती है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूटेरस की, जिसकी हेल्प से बेबी पुश होता है आउटसाइड द बॉडी बेटा, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्टीशन बेटा। ये बिल्कुल जब गेस्टेशन पीरियड कम खत्म हो जाता है ना, जब होता है बेटा ये, ठीक है। और दिस इज हाउ द बेबी इज बोर्न एंड ऑल ऑफ अस वर बोर्न फ्रॉम अवर मदर इन दिस वे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सभी पैदा हुए हैं अपनी मदर से बेटा, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड सेपरेट कर देते हैं, डॉक्टर्स कट कर देते हैं उसको। कुछ केसेस में क्या होता है, बेबी का जो साइज है, बेबी का जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है बेटा, बेबी ग्रोथ करता जा रहा है और 9 months कंप्लीट हो गए हैं बेटा, ठीक है। और बेबी जब बड़ा हो जाता है तो जो सर्विक्स है उसका साइज तो बहुत ज्यादा छोटा है बेटा, सर्विक्स का साइज तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो बेबी जब बड़ा हो जाता है उसका साइज, तो उसके अंदर से निकलने में काफी दिक्कत होती है उसको बेटा। तो आपने 3 idiots में देखा होगा वैक्यूम पंप का यूज किया उसने बेटा, ठीक है। तो वो वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, उसको पुश करने में हेल्प कर रहा है बेटा, इजीली वो खींच लेगा उसको वहां से लगाकर, प्रेशर बना देगा बेटा खींचने के लिए। और दूसरा, आजकल जो ऑपरेशन होते हैं बेटा, ऑपरेशन में क्या करते हैं, वो यूटेरस पे कट लगाते हैं बॉडी में बेटा, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। और वहां पर कट लगाकर बेबी को वहां से निकाल लेते हैं वापस स्टिचिंग, राइट। तो इस तरीके से आजकल जो ऑपरेशन में ये प्रोसेस होता है, नहीं होता माइंड गुम। लेक्चर नंबर 12 था बेटा हमारा इस चैप्टर का।